लाइनिंग घर पे एंटर हो रखा है वो बहुत क्लीन है कि नहीं है, अगर डर्टी है, स्वेलिंग आ रखी है, अगर वेट हो रखा है तो भी इसलिए ड्रेसिंग चेंज करनी है। ड्रेसिंग चेंज करने के लिए ये डैट इसके उतरेगी नहीं, वो उसके लिए चेंज कौन करेगा? हम करेंगे, जो इसको फ्लस करा है वो चेंज करेगा। पेशेंट खुद भी कर सकता है, नर्सिंग स्टाफ भी करेगा, डॉक्टर भी कर सकता है। इनकेस निकालते टाइम अगर खींच गई तो ऐसे कैसे निकल जाएगी? सुन मैं बता रहा हूँ, एल्कोहल सिरप यूज करना है, एल्कोहल ड्रॉप यूज करना है, उससे पहले इसको वेट करना है, फिर नॉन डोमिनेंट जो हेड है, डोमिनेंट नहीं है तो उससे इसको होल्ड करना है, और जो डोमिनेंट हेड है उससे इसको धीरे धीरे निकालना है। सबसे पहले फर्स्ट लेयर जाएगी, उसके बाद सेकंड लेयर, उसके बाद थर्ड लेयर, तीन लेयर में जाते हैं। जो वापस ड्रेसिंग करते हो तो पहले सबसे नीचे कुछ 2x2 या 4x4 के जो स्क्वायर गोज पेड है उसको लगाना है, उसके ऊपर ये जो डेनाप्लस्ट है इसके दो कटिंग लगानी है। प्रेफर करना है ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग हो, डेनाप्लस्ट हो, अगर वो नहीं हो तो डेनाप्लस्ट यूज करना। ठीक है, सबसे पहले नीचे लेकिन वो आएंगे स्टाइल गोज आएंगे, उसके बाद जो आएगा वो आएगा। ठीक है, ये कर दिया, ये कर दिया, इस पर डेट लगाना है कब चेंज हुआ है। चेंज करने का ऐसा कोई रूल नहीं है कि उसको आज ही चेंज करना है, कल चेंज करना है, डेली चेंज करना, ऐसा कोई रूल नहीं है। जबकि ये गंदा लगे, लीक करे या गीला हो जाए तब इसको चेंज करना, उसके बाद किसी डे फ्लश करनी है। तो इसलिए फ्लश करने के लिए सबसे पहले सारा सामान रेडी होना चाहिए। सामान रेडी में अपन को क्या कहते हैं, स्टाइल गोज पैड चाहिए, स्टाइल सिलिंग चाहिए, वैसे ही स्टाइल प्रोसीजर नहीं है जहाँ तक मुझे पता है, ये तो मेडिकल प्रोसीजर है, स्टाइल प्रोसीजर नहीं है। तो सबसे पहले गोज पैड चाहिए, स्टाइल सिलिंग चाहिए, लेकिन अपन को कुछ ऐसा स्टाइल या तो किसी को हेल्प करवाने के लिए वो चाहिए जो अपन को असिस्ट करवा सके, या फिर स्टाइल एरिया के लिए कुछ वो चाहिए स्टाइल सीट चाहिए अपने पास तो अच्छे करने के लिए। लेकिन सबसे पहले ये करने पहले अपना पूरा सामान रेडी होना चाहिए। तो ये एनएस ग्लोबल, वैसे इसके लिए वो लूनर सीरीज आती है प्री फिल होती है, तो प्री फिक्स हो क्या वो कहती हैं। जैसे मैं आगे भी ये ना सुन बैच इसको सुनने का है, इस पर आगे से लोक सिस्टम आता है, वो लोक होता पूरा जो वहाँ पर बुझ सकिए, तो अपने पास यही है तो इसे काम चलो। तो ये NS, ये स्टाइल सिलिंग कही है, अभी तक ये मानते हैं भाई बाहर से तो गंदा ही है लेकिन अंदर से तो अब स्टाइल जितना मिनिमम उसको इन्वेजन हो सके उतना मिनिमम करना। या ऐसा नहीं कि हम घुसा रहे हैं निकाल रहे हैं घुसा रहे हैं, जितना कम हो सके जहाँ से हो सके वहीं करना है। ये इसकी कैर करते हैं इसके अंदर पैक किया, ये निकाला, उसको कचरे को ऊपर चलना है। ऐसे ऐसे प्रिक करके और वापस कैप लगा के रख दोगे ना, ऊपर से कोई देखेगा ही नहीं कि इसको प्रिक कर रखा है क्या, साइड में से घुसाएंगे इसके वो उसकी प्रॉब्लम कोई नहीं देखेगा इसको। इसको अगर हम ओपन डेट वगैरह डाल ओपनिंग डेट डालेंगे ना, एक बार खोल दिया तो तुरंत उसमें ओपनिंग डेट प्लस टाइम मेंशन कर दो, तो एटलीस्ट उसको ये तो लेकर नहीं यूज डे ओपन है, टाइम लिखना है क्यों कर रहे हैं ओपन वो लिखना है, कब किया वो लिखना है, और डेली इसको चेंज करना 24 आवर्स ये लग रहेगा। आइडियली अपन लेके चलेंगे 10 ml NS अपने पास होनी चाहिए, 10 ml कैप लगाई, इसको दोबारा पैक करके भरेंगे। लेकिन समझ गया ना फीलिंग ले, हाँ सीरीज इसको भी स्टाइल एरिया पर रखनी है, स्टाइल एरिया अपने पास है नहीं तो या तो
ऊपर से फैन को उसको मुंह में लगा दो बॉस ही बस क्या दूर था देखा नहीं आपने इधर आके देखो अच्छे से सबसे पहले इससे थोड़ा को क्लीन करना अच्छे से ये वो ऊपर नीचे सब एक बार रखते हो उसको फिक्स करना है बाद में कर देना पर रैपर में वो अपना हमारे पास जो फील्ड आएगी ना उसमें वो चलेगा हमें स्टाइल प्लस में है ना अगर लूज ग्लव्स भी पहनेंगे तो भी हम एटलीस्ट आगे भी यूज करना प्रॉपर हैंड जो हमारा मान लिया एज इट इज दूसरा को फिक्स लेना है इससे इसको पकड़ना है इससे इसको ओपन करना है उसको ओपन करने के बाद स्कैप को स्ट्रेल फिली के ऊपर रखना ये स्कैप फिल को मान रहे हैं कि स्ट्रेल अपने पास स्ट्रेल फिल नहीं है ना भाई इसको टच के लिए अनस्ट्रेल हो गया सीरियन के लिए नहीं है सीरियन को अच्छे से बुक करना है इसको इधर करना है ताकि अपना फ्लू ऊपर जाता रहे इसको धीरे 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 जोर नहीं लगाना बस करते रहो बस करते रहो पानी करते रहो बिल्कुल स्लोली स्लोली जाने दो बस इसमें लास्ट 1 mm रहे 2.5 रहे तब इसको लॉक करना है फिर उसको इधर कर जब तक कोई क्लियर ऑर्डर ना हो रिटर्न ऑर्डर ना हो एस्पिरेट नहीं करना इसको बंद कभी एस्पिरेट नहीं करना ठीक है ये के अंदर से जाना स्टार्ट हो गया मतलब ये चल रही है उसको वापस हटाओ सीलिंग को डिस्कार्ड करो जो पहले वाला अपने पास वो था कैप थी स्टाइल फिल्ड में कैप को लगो लेकिन ज़्यादा जोर से बंद नहीं करना अगर ज़्यादा जोर से बंद करोगे ये वहीं तक बंद करना था ऑटोमेटिक खुद जाके होगा ज़्यादा जोर से करोगे अगली बार और दिक्कत होगी एक बोल किसी और दोस्त